हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इतनी टेस्टी डिश लाई हूँ। चिकन की न्यू स्टाइल रेसिपी है जिसका नाम है चिकन फ्राइज। चिकन फ्राइज आप देख रहे हैं कैसे बनती है, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, उसी तरह से खाने में भी क्रिस्पी है। इससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है PNP होम क्रिएशन। मैं हिमलता, नमस्कार दोस्तों, आप मेरे चैनल पर आए हैं, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको डिश अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं चिकन फ्राइज। चिकन फ्राइज बनाने के लिए हमें चिकन लेना है, चिकन ब्रेस्ट लेनी है, हमने दो बड़े साइज में फुल साइज में लिए हैं, और एक अंडा चाहिए इसमें हमें, और 4 से 5 चम्मच हमें मैदे की चाहिए, और थोड़ा मसाला चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम फ्राइज़ बनाने के लिए चिकन के स्लाइसेस करेंगे पतले पतले नाइफ से। इसके हम फ्राइज़ कर बनाने के लिए पतले पतले स्लाइस कट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं, जैसे आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं इसी तरीके से हम ये चिकन फ्राइज़ बना रहे हैं। ये वैसे ही फिंगर चिप्स की तरह लंबे लंबे बनेंगे और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे क्योंकि ये चिकन के हैं। आइए इनको रेडी करते हैं। इनमें हम अंडे को तोड़ेंगे, बट पूरा अंडा नहीं, इसमें हम अंडे का पीला भाग ही डालेंगे। पीला वाला भाग हम इसमें डाल रहे हैं, बाकी अंडे को हम इसमें नहीं डालेंगे। और इसमें हम मैदा डालेंगे, इसमें हम मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च एंड 1 टीस्पून नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। आइए दोस्तों, जो फ्राई हो गए हैं उनको हम सेपरेट निकाल लेंगे। उनको हम ट्रांसफर कर देंगे, पलट देंगे। ये भी अभी 2 मिनट में हो जाएंगे। तब तक आइए हम अपनी सॉस बनाते हैं इनके साथ। आइए दोस्तों, चिकन फ्राइज के साथ जो हम सॉस बनाने जा रहे हैं उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम टोमेटो सॉस डालेंगे, 3 से 4 चम्मच, और इसमें 2 चम्मच दोस्तों विनेगर का डालेंगे। मसाले इसमें डाल रहे हैं हम, 1 पिंच ऑफ काला नमक एंड 1 पिंच ऑफ गरम मसाला, जो चिकन के साथ ज़रूर डलता है, स्वाद को दुगना कर देता है। अब इसको हम मिलाएंगे। इसमें हम चाहें तो मेयोनीज भी डाल सकते हैं, मगर ये बिना मेयोनीज के भी बहुत टेस्टी लगता है। ये खट्टी मीठी सी सॉस बनके तैयार है दोस्तों, जैसी टोमेटो फ्राइज के साथ मिलती है, चिकन फ्राइज के साथ भी हमने वैसी ही मसालेदार खट्टी मीठी सी सॉस बनाई है। आइए इसको सर्व करते हैं। चिकन फ्राइज बनकर तैयार हैं दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, दिखने में भी ये कितने क्यूट हैं, सुंदर से हैं और बने भी बिल्कुल करारे हैं, देखिए। और ये चिकन है अंदर, इसके तो स्टाइल तो डबल हो ही जाता है। आप देख रहे हैं कितना टेस्टी ये लग रहा है, और इसको मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगी आपको कैसे बना है।